धन्यवाद पहले मोदी जी का। चुनौती तो है लेकिन मोदी जी हमको मिला है ना, तो इस चुनाव में हमको चुनाव में उतारा है, उस तरह पत्नी को खड़ा कर रहे हैं तो हितैषी वोट भी उन्हें मिलेगी, तो आप लोगों की तैयारी किस तरह है इसके लिए? बहुत बहुत बधाई। अब आपको जिस तरह से प्रत्याशी बनाया गया है मोकामा में, आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग सीट होती है और हमेशा जो हार जीत का फैसला होता है काफ़ी कम मतों से होता है, तो इस बार कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके बीजेपी के उम्मीदवार हैं? धन्यवाद पहले मोदी जी का। चुनौती तो है लेकिन मोदी जी हमको मिला है ना, तो इस बार तो कोई हारने का बात ही नहीं है, इस बार तो विजय हो के रहेगा। जो जिस तरह से अनंत सिंह का वहाँ पे एक हौगा बना हुआ है, तो उस हौगा को आप कैसे दूर करें? आज आपको अब नामांकन का समय खत्म होने वाला, 4 दिन बाकी हैं, 5 दिन, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि टिकट आपको विलम्ब से मिला है या पहले इस चीज़ की घोषणा होनी चाहिए? नहीं, अब तो जो हो गया से जो फैसला लेने वाले थे बड़े बड़े अधिकारी थे वो जो लिए हैं सो अच्छे ही लिए होंगे, और जो इस बार जो है सो अनंत सिंह को उखाड़ कर फेंकना है मोकामा से और कमल खिलेगा। आपकी तैयारी जोर एकदम? हाँ, तो आप पूरे जनता मेरे साथ है। मोकामा के लिए आप पहले से भी काम करते आई हैं, तो आपका सबसे बड़ा इशू क्या होगा? 2005 ही से काम कर रहे हैं हम, जनता जीते नहीं हैं, सब बार हार गए हैं, कुछ से वोट से हारे हैं, लेकिन जनता एगो पूजा भी देते हैं मोकामा में, तुरंत फोन आता है, तुरंत जाते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं, मैं नहीं जाती हूँ ये जाते हैं, मिलते रहते हैं मोकामा से, जनता साथ है। मोकामा की जनता के लिए आपका सबसे बड़ा इशू क्या है? क्या आप अपना मकसद लेके चल रही हैं इतने पुराने समय से? मकसद यह है कि मोकामा में बहुत प्रॉब्लम है, ना वहाँ हॉस्पिटल है, ना कॉलेज है, पढ़ने के लिए बच्चा सब बाहर जाते हैं, दिखाने के लिए बेगूसराय है, पटना है, यही सब है, तो मोदी जी से मिल के इस सब का प्रॉब्लम का सॉल्व करना है, जन समस्या को दूर करना है, दूर करना है बस। और मोकामा का बेटा, मोकामा की बहू, हम जा रहे हैं मैदान में और हमारे ऊपर विश्वास है, पूरा भरोसा है, मोकामा के लोग हम पर भरोसा करेंगे, पहले भी किए और भी करेंगे। कब से आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर देंगे? 14 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन का प्लान बना रहे हैं और उससे पहले कुछ कागजी प्रक्रियाएं हैं सभी पूरा करके, और बाबा परशुराम का पहले आदेश होता है, उनके दरबार में पहले जाकर के माथा टेकूंगा, कम में परशुराम की धरती को जगाऊंगा। बीजेपी में आ गए हैं और आपकी पत्नी को वहां से टिकट दिया गया है, कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? कोई चुनौती नहीं, हम तो कह रहे एकदम क्षेत्रीय पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी से, जिसमें उसका निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, उसका सैम्बुल भी आवंटित नहीं हुआ था, उस समय से हम चुनाव लड़ रहे हैं और मात्र 1400-1500 वोटों से हम चुनाव हारे थे, और इस बार राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव मिल हमको चुनाव में उतारा समर्थन मिल रहा है, अब हम कितना उसको हराएंगे इसका आप लोग गिनती कीजिएगा। काफी बहुत बड़ी चुनौती है, अनंत सिंह लगातार वहां से आते आ रहे हैं, उनकी दबदबा, लोग कहते हैं कि दबदबा है, तो उनकी दबदबा को आप कैसे दूर करेंगे? और ये सब चुनौती आप प्रेस मीडिया के लोग बनाए हुए हैं, प्रेस मीडिया के लोग बनाए हुए हैं, कहे तो पहले के समय में जो होता था अनंत सिंह हमारा मैंने चुनाव में आता था ना, सबसे पहले हमारा टिकट कटवाने के लिए प्रयासरत रहता, किस तरह ललन सिंह का टिकट कटे, हम लोग जनशक्ति पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से जाकर के उसको इतना बड़ा चैलेंज दे रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको हराने के लिए 13 बार मोकामा में हेलीकॉप्टर उतारे थे 2005 में, आप पत्रकार बंधु आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, 13 बार उनको हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा था, इस बार उनको जिस उम्मीदवार को दिए हैं उसके बारे में तो उनको सोचना भी नहीं होगा, कोर्ट में क्या बोला गया है ये आपको पता ही होगा कि किसकी सरकार है, तब वो सरकार वो अपने उस कार्यकर्ता को जिताने के लिए मोकामा आते हैं, मोकामा की जनता जरूर उनसे पूछेगी। मोकामा में इस बार तख्ता पलट होगी? मोकामा में तख्ता पलट का बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन सामने में कभी बाघ के सामने में बकरी, कभी कोई ऐसे ऐसे उम्मीदवार को दे दिया जाता था, सब नेतृत्व को तो चलाना है सरकार, कहाँ किसको दे किस सेट करना है, और उसको एक हवा की तरह बिहार में एक मूर्ख आदमी को बिहार का भूमिहार का हीरो बनाया जाता था, जिसको अपने तो ज्ञान कुछ नहीं है, टोपी चश्मा तरह तरह के नौटंकी जोकर वाला करके, अब बिहार के भूमिहार को हमारा हीरो ये है, हमारा हीरो है,
उस हीरो का हीरोगिरी अब हम दिखाएंगे जनता के सामने में। कहा जा सकता है एक शेर का पाला शेर से परा है, एक शेर का पाला शेर से परा कहे तो कभी हमको कोई बढ़िया दल का समर्थन ही प्राप्त नहीं हुआ। और इस बार हम आपको मोकामा के क्षेत्र की जनता को भी यह एहसास हो चुका है कि हम चश्मा और नौटंकी के फेर में फंसे हुए हैं और हमारा सब कुछ लूट चुका है। अब लूटने के लिए अभी कुछ नहीं है मोकामा के पास। और मोकामा का बेटा मोकामा सुप्रीम फर्नीचर नाम ही काफी है, रेंज ऐसा कि देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। यहाँ आपको मिलेगी 400 से लेकर 4000 तक की कुर्सी, तो देर मत कीजिए। होलसेल और रिटेल के लिए आइए बिहार के एकमात्र डीलर लवली इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज में। हमारा पता है नाला रोड पटना। जानकारी के लिए इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9931230909।